ठीक है उदित अंशु, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है रिसेप्टर्स। तो कौन बताएगा व्हाट इज रिसेप्टर? बोलो, जिसको जो भी पता है रिसेप्टर के बारे में बोल सकते हैं। बोलो, दिस क्वेश्चन इज ओपन फॉर ऑल एनीबडी। व्हाट इज रिसेप्टर? फर्स्ट ईयर एचएपी याद करो। बोलो, Harsh, you want to say something? Sir, receptor is a receiving body which receives the impulses from the whichever medicine or chemical reactions. It receives it. Transduces the signals. क्या बोला आपने उदितांशु? ट्रांसड्यूस करता है सिग्नल्स को, लाइक रिसीव करता है और फिर उसको जो भी उसके लिए एक्शन या स्टिमुलस प्रोड्यूस करना होता है वो करता है। गुड, ओके चलो तो हम डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज रिसेप्टर? तो रिसेप्टर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैविंग कीमो रिकॉग्निटिव साइट फॉर स्पेसिफिक एंडोजेनस और एक्सोजेनस मॉलिक्यूल हुज इंटरेक्शन विद लिगैंड इनिशिएट्स अ चेन ऑफ अ सीक्वेंस लीडिंग टू बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। क्या समझ में आया? कोई बता सकता है मैंने क्या रीड किया और उसमें से क्या इंटरप्रिटेशन आ रहा है? जो स्लाइड पे दिख रहा है उससे आपको क्या समझ में आया? मैं तो एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेकिन उसको पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है? कि रिसेप्टर्स बड़े मॉलिक्यूल्स है जो केमिकल केमिकल सिग्नल्स को जो स्पेसिफिक है, साइट स्पेसिफिक है, जो बाहर के है या अंदर के मॉलिक्यूल्स है उनके वो लिगेंड से इंटरेक्शन करके एक सीक्वेंस बनाते हैं, चेन सीक्वेंस ऑफ चेन बनाते हैं, चेन ऑफ सीक्वेंस, जिससे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हम लोग देते हैं। करेक्ट, जो भी एक्शन आते हैं। राइट, तो व्हाट आर रिसेप्टर? दीज आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स? मैक्रो मीन्स बड़े, ये बड़े मॉलिक्यूल है लेकिन इनका कोई तो डेफिनेशन होना चाहिए। मैक्रो मॉलिक्यूल किसको कहेंगे हम? द मॉलिक्यूल। ओके, क्या हुआ? दैट कैन बी सीन बाय आवर नेकेड आईज, या दे आर कॉल्ड एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स? मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, टेल मी, डीएनए आपके आंखों को दिखता है या नहीं? नहीं दिखता? नहीं नहीं दिखता, बट इट इज मैक्रो मॉलिक्यूल। Okay. So, receptors are macromolecules and the definition of the macromolecules are those molecules which having the molecular weight more than 1000 Daltons. Jinka molecular weight 1000 Daltons se above hai, to unko hum kahenge macromolecules. That is your first part of definition. Second part, having chemorecognitive site. What is the break karo? Chemo? Recognitive, chemo means chemical, recognitive means to identify, मतलब उस receptor पे कुछ ऐसे sites हैं जो chemical को identify करेंगे for specific endogenous or exogenous molecule. Can you tell me the examples of endogenous molecule? अभिजीत बोलो। अभिजीत आप मेरी आवाज सुन रहे हो? Yes, sir. ओके, बोलो एंडोजिनस मॉलिक्यूल मतलब क्या? इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? बाकी लोग भी सोचो, मैं किसी को भी पूछ सकता हूं, व्हाट इज एंडोजिनस मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज एक्सोजिनस मॉलिक्यूल? कोई बताना चाहेगा? किसी को पता है इसका आंसर? एंडो मतलब इनर और एक्सो मतलब आउटर। क्या मुझे आप एग्जांपल दे सकते हो? चलो पैरासिटामोल ले लो, ये एंडोजिनस है या एक्सोजिनस है? एक्सोजिनस। श्योर? एक्सोजिनस, एक्सो मींस बाहर, बाहर से लेते हैं हम इसको, बाहर से लेते हैं। करेक्ट। और सर एंडोजिनस मतलब एसिटाइलकोलिन या फिर डोपामाइन। करेक्ट। सो रिसेप्टर्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स, they having special chemical recognition site for specific endogenous which are synthesized in our body or exogenous which are we taking from outside. These molecules when react with your macromolecules, they will
whose interaction with ligand will initiate a chain of a sequence leading to biological response. मतलब जो भी एंडोजिनस और एक्सोजिनस मॉलिक्यूल है वो रिसेप्टर को बाइंड करेंगे और एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे. लेकिन रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए वो थोड़ी ऐसे कि पैरासिटामोल दे दी और आपका फीवर गायब. नो, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन. सो दैट रिएक्शन विच विल यील्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स. तो ये है हमारी डेफिनेशन. आज हम इस डेफिनेशन के बारे में आगे की स्लाइड जो भी आने वाले हैं पूरी डेफिनेशन समझने वाले हैं. तो इसके लिए आपको स्लाइड पे अभी जो नीचे पिक्चर दिख रहा है इसमें क्या है, बीच में हार्ट के बीट्स है, ठीक है, वो तो मैंने कांस्टेंट रखे. लेकिन अगर वो लेफ्ट साइड में जो बच्चा है उसके पीछे कुत्ता भाग रहा है, ठीक है, तो उसको काटेगा, ऑब्वियसली बच्चा भागने वाला है. तो भाग रहा है मतलब उसके हार्ट बीट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है. दूसरी चीज, सेकेंड थिंग, दूसरी केस में वो बच्चा सो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, आप तो भाग तो नहीं रहे हो, आप सो रहे हो. और जनरली आपको पता है कि आपका जो हार्ट बीट है जब आप रिलैक्सेशन स्टेट में रहते हैं तो वो रिलैक्स रहेगा, जो 72 पर मिनट हार्ट बीट है वही, ठीक है. लेकिन ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे रीजन है आपका एड्रेनालिन एंड एसिटाइल कोलिन विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते. तो मुझे बताओ इसमें से एड्रेनालिन कौन सा है और एसिटाइलिन कोलिन कौन सा है, आपके सामने जो दो स्ट्रक्चर है. सेकंड वाला कोलिन है, सेकंड वाला एसिटाइल कोलिन है और फर्स्ट वाला एड्रेनालिन. एड्रेनालिन, श्योर इट इज एड्रेनालिन? कैसे बता सकते हो एड्रेनालिन ही है? लाइक हमने जब पहले पढ़ा था स्ट्रक्चर्स तो कोलिन के स्ट्रक्चर में ये लाइक एसिटाइल कोलिन के स्ट्रक्चर में जो कोलिन होता है उसमें तीन मिथाइल बॉन्ड्स होते हैं विद राइट. जो पहला वाला स्ट्रक्चर है आपका एड्रेनालिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैटेकोलामाइन. बट वॉट इज द एक्चुअल फीचर ऑफ कैटेकोलामाइन? द बेंजीन रिंग विद टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑर्थो टू ईच अदर और पैरा टू ईच अदर, इट्स ऑर्थो पोजिशन. ओके, सो आपका जो एड्रेनालिन है वो हार्ट पे जब एक्ट करता है तो आपके हार्ट बीट्स बढ़ते हैं जो 72 से आगे जा सकते हैं. लेकिन जब एसिटाइल कोलिन एक्ट होता है तब आपके हार्ट बीट्स कम होते हैं. फाइन, ये तो कॉन्सेप्ट हमने एचपी में पढ़ लिया था फर्स्ट ईयर में. लेकिन हार्ट पे ऐसा क्या है जिसकी वजह से एड्रेनालिन एक्शन दिखा के उसकी एक्टिविटी बढ़ा रहा है? दूसरी चीज, एसिटाइल कोलिन हार्ट पे एक्ट करके हार्ट की एक्टिविटी कम कर रहा है तो हार्ट पे कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से हमें एक्शन मिल रही है. तो वो क्या है? दैट इज योर कीमो रिकॉग्निटिव साइट. इट इज नथिंग बट योर रिसेप्टर्स. तो अभी मुझे बताओ विच रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन योर हार्ट. उदितांशु आप रुको. ऋतिक, अभी जिनका टर्न नहीं हुआ है उनका टर्न है. ऋतिक बोलो कौन सा रिसेप्टर हार्ट पे प्रेजेंट होता है. ऑप्शन दे दूं मैं आपको चार. हेलो ऋतिक, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, नेक्स्ट आभास पांडे. ओके ऋतिक, आवाज आ रही मेरी? यस सर. आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, इज देयर एनी नेटवर्क इशू? यस सर. ओके, अभी आवाज क्लियर है मेरी? आपको क्वेश्चन समझ में आया? यस. ओके, विच रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन हार्ट? डोंट नो सर. ओके, क्या मैं ऑप्शन दे दूं आपको? ऑप्शन में से बता सकते हो सर? मैं सांगूंगा. कौन सांगते हैं? अश्विन सतपुते. हाँ बोला. सर बीटा वन. बीटा वन रिसेप्टर. ओके, बीटा वन एड्रेनो रिसेप्टर. करेक्ट. सो द रिसेप्टर्स विच आर स्पेसिफिकली एक्टिवेटेड बाय एड्रेनालिन आर कॉल्ड एज एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स. And the receptors which specifically activated by acetylcholine are called as muscarinic receptor. मतलब हमारे body में जो endogenous chemical है उनकी specific site है, specific activity है with respect to that receptor. That's why we are calling as the receptors which are sensitized by adrenaline are called as adrenergic receptor. And the receptors which are activated by acetylcholine are called as cholinergic or muscarinic receptor. चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. आगे आपका जो डेफिनेशन का पार्ट था वो क्या था?
सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन विच इज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स. मतलब आपका एड्रेनालिन जब हार्ट पे अटैच हुआ तो क्या तुरंत हार्ट बीट्स बढ़ गए? नो, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन विच विल यील्ड अ रैपिड हार्ट बीट. बट वो रिएक्शन क्या है वो हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर नाम का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं आगे, तब डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो अभी के लिए तो इतना समझ लो, देयर इज अ समथिंग सम सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेन एड्रेनालिन बाइंड टू योर रिसेप्टर विच विल यील्ड देयर इज इंक्रीज इन हार्ट बीट्स. चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. अभी मैंने रिसेप्टर की बात तो की, दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, दे हैविंग द केमोरेकॉग्निटिव साइट. व्हेन दे बाइंड विद योर लिगैंड मॉलिक्यूल दे विल यील्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स. बट एक्चुअली रिसेप्टर होता क्या है? तो हमारी जो सेल है उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पे बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट है, दे आर नथिंग बट योर रिसेप्टर. बट क्या सारे प्रोटीन्स को हम रिसेप्टर कहेंगे? क्या कहना है आप सबका? दिस इज क्वेश्चन फॉर ऐश्वर्या पासलकर. ऐश्वर्या, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर. यस, ओके. टेल मी, आपके सेल पे जितने भी सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो सारे रिसेप्टर्स है? नॉट श्योर सर. ओके, किसी को बताना है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन ऑन योर सेल? ओपन टू ऑल दिस क्वेश्चन. They are building blocks. Okay. Again. और क्या हो सकता है? बोलो. They are building blocks of your body. That is your ideal statement about the protein. But protein और क्या-क्या काम करते हैं हमारे सेल में? Metabolism. Metabolism. Can you call it as enzymatic reactions? Yes. Okay. Next. और कुछ बोलना चाहता है कोई? Sir, they are also messengers. Messengers, okay, fine. That is the your receptor activity. Okay, next. Okay, they act as an ion channel. They act as a carrier molecule. They act as an enzyme. They act as a binder. Okay, cell identity marker. They act as a carrier. ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं कि what are the characteristics of your protein molecule. So उसमें से एक character हम पढ़ रहे हैं. उसका नाम है receptor character. Okay, so receptors are nothing but your protein molecules. ठीक है. And proteins are building blocks of your body. If you are studying for GPAT, तो ये point ध्यान में रखो कि all receptors are your protein molecule. Plus, all protein molecules are not receptors. Okay? चलो. Next, classification. अभी हम classification देखते हैं कि body में इतने सारे receptors हैं. 200 हो गए, 20 हो गए, 50 हो गए, 100 हो गए, 1000 हो गए. तो इनका क्लासिफिकेशन तो होना चाहिए ना, कौन किस कैटेगरी में है. तो उसके बेसिक चार क्लासिफिकेशन है. एक है लिगैंड गेटेड आयन चैनल जो अभी मैंने बात की. दूसरा है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. मैंने कहां पे डिस्कस किया था जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर? यहां पे. क्या कहा था मैंने? हार्ट पे एड्रेनालिन बाइंड होने के बाद तुरंत हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी. देयर इज, साक्षी कुछ कहना चाहते हो? नो सॉरी सर, फाइन. So, जब एड्रेनालिन हार्ट पे बाइंड करता है तो क्या हो रहा है? देयर इज अ सॉर्ट ऑफ रिएक्शन व्हिच विल यील्ड योर रैपिड हार्ट बीट. सो ये सारी चीजें हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में पढ़ने वाले हैं. थर्ड वन इज एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर एंड फोर्थ वन इज इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे. हमारा टॉपिक है लिगैंड गेटेड आयन चैनल. अमृता जाधव, माझा वॉइस क्लियर है? Yes, sir. Okay. चलो, तो आज हम बात करते हैं लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स विच आर ऑल्सो नोन एज आयोनोट्रॉपिक रिसेप्टर. आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट, लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स आर ऑल्सो नोन एज आयोनोट्रॉपिक रिसेप्टर. मीन्स देयर इज सम रिएक्शन ऑफ आयन्स विथ रिस्पेक्ट टू योर रिसेप्टर. तो आप अभी ये दो इमेजेस देख लें. तो पहली है आयन चैनल का टॉप व्यू, जिसमें आपको पता चलेगा कि वो चैनल किन किन पार्ट से बना हुआ है. उसको हम नाम दे देते हैं अल्फा, बीटा, गामा. ठीक है, जो भी पार्ट है बाकी के. देन अगर वो चैनल ओपन होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, अगर वो क्लोज होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एंड अगर हम उसको जूम करते हैं तो जूम करने के बाद हमें क्या मिलता है? देयर इज अ रिसेप्टर साइट ऑन विच योर मैसेंजर मॉलिक्यूल. हु इज योर मैसेंजर?
either it is endogenous molecule or exogenous molecule which will bind to the receptor and it will yield a biological response. तो ठीक है, biological response तो हम बाद की बात करेंगे, लेकिन actually जब कोई ligand molecule उस receptor molecule को bind करता है तो उस receptor molecule में कुछ तो structural changes आते हैं. तो वो structural changes क्या है वो हम आगे वाले video में देखेंगे. तो पहले video देखो, video देखने के बाद अगर किसी को video समझ नहीं आता है तो फिर से बोलो, मैं फिर से explain करता हूँ. चलो तो video देखो पहले. ठीक है, आपने वीडियो देखा, क्या मैं इस वीडियो को फिर से एक बार प्ले करूं या वीडियो समझ में आया है? दिस इज क्वेश्चन फॉर ऑल. वीडियो समझ में आ गया है सबको या फिर से प्ले करूं? परत करा सर, परत करा. ओके चलो देखो, मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं फिर वीडियो देखो. आपका जो भी लिगैंड मॉलिक्यूल है, जो आपका ड्रग है, वो रिसेप्टर को बाइंड करेगा. बाइंड करने के बाद उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, उसकी वजह से आयंस की मूवमेंट होगी. हम क्या कह रहे हैं, आयोनोट्रॉपिक रिसेप्टर, मतलब देयर इज अ सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन योर आयंस एंड योर रिसेप्टर. तो अभी वीडियो देखो. ठीक है, अभी जिसने बोला था कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, क्या हुआ एक्चुअली वहां पे स्क्रीन पे? तो न्यूरोट्रांसमीटर सर तो बाइंड झाला आणि मग तिथून ते आयन मॉलिक्यूल्स हे झाले. ओके फाइन. तो वीडियो में मुझे क्या कहना था, आपका जो भी लिगैंड है, जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है, वो रिसेप्टर को बाइंड करेगा. ये है आपकी रिसेप्टर साइट. अभी देखो ये सारी साइट्स है, तो उन्होंने ये रिसेप्टर यहाँ पे दिखाया है और यहाँ पे कहा है कि आपका अगर कोई मैसेंजर उसको बाइंड करता है तो उसके बाद क्या होने वाला है, आपका चैनल ओपन हो जाएगा और उसके बाद उसमें से जो आयंस अंदर आएंगे वहां से आपको एक बायोलॉजिकल रिस्पांस मिलेगा. वो कैसे मिलता है वो आगे हम देखेंगे. ठीक, चलो नेक्स्ट. अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल, क्लोराइड चैनल. इसमें इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? अंकित खरत, am I audible to you? अंकित खरत आवाज येतोय माझा? अंकित बोल बोल. ओके, आकांक्षा जांभळे आवाज येतोय? am I audible to you आकांक्षा? यस सर. ओके, आपको स्क्रीन पे अभी क्या दिख रहा है, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल, क्लोराइड चैनल. तो इससे आपको yes, क्या sir. समझ में आ रहा है? सोडियम चैनल जब ओपन होगा तब सोडियम की एंट्री मेम्ब्रेन में होगी ना. ओके, एंड व्हाट अबाउट अदर? जो चैनल ओपन होगा उस आयन की एंट्री होगी. ओके, तो आप ये कहना चाहते हो कि उस रिसेप्टर को वो नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि वो रिसेप्टर उस स्पेसिफिक आयंस को अंदर ले रहा है, करेक्ट? यस यस करेक्ट, राइट. सो हम रिसेप्टर को नाम किस बेसिस पे देंगे कि वो किस आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है? तो हमारे बॉडी में सबसे मेन जो आयन चैनल्स है वो है सोडियम चैनल, योर पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल एंड क्लोराइड चैनल. पॉइंट मार्क कर लो अगर आप जीपैट के लिए स्टडी कर रहे हो तो. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके बॉडी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैनल्स है जिसके थ्रू आपकी सर्वाइवल की प्रोसेस अभी चल रही है. चलो तो एक एक चैनल के बारे में हम बात करेंगे. चैनल के बारे में बात करने से पहले हमने ये तो स्टडी कर लिया कि हमारे बॉडी में लिगैंड गेटेड आयन चैनल टाइप के कुल तो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो उसका आंसर सिंपल है, आपके न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन होता है उसको क्या कहते हैं हम, सिनैप्स. और ये सिनैप्स में क्या होता है,
एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। लेकिन इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए हमें किसी की तो जरूरत पड़ेगी, तो वो है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन का फ्लो करता है। तो ये मैसेज है, आपको यहां तक ये पहुंचाना है, फाइन। बट ये मैसेज पहुंचाने के लिए आपको कोई तो गेट, कोई तो एंट्री होनी चाहिए कि बाबा वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। सो देयर इज अ स्पेसिफिक चैनल टू एंटर दैट न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, दैट इज नथिंग बट योर लिगैंड गेटेड आयन चैनल। हैव यू गॉट इट? क्यों हमारे बॉडी में लिगैंड गेटेड आयन चैनल टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं? दैट इज बिटवीन योर सिनैप्स, बिटवीन योर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो लोकेशन ध्यान में रखो, लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स कहां पे होते हैं? बिटवीन न्यूरॉन्स, दैट इज बिटवीन सिनैप्स। चलो नेक्स्ट। तो आपके सामने अभी जो एग्जांपल है वो रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। चलो इथेनॉल, इथेनॉल मींस व्हाट? जो अल्कोहल, जो अल्कोहल ड्रिंकिंग, सिंपली अगर कोई पर्सन इथेनॉल दैट इज अल्कोहल को ड्रिंक करता है तो उसका इफेक्ट है, इट एक्ट्स एज अ सीएनएस डिप्रेसर, दैट इज अ डायरेक्ट इफेक्ट। हम बोल देते हैं अल्कोहल की वजह से नींद आती है, अल्कोहल की वजह से सेडेशन होता है। बट हाउ? जब भी इथेनॉल हमारे बॉडी में आता है, इथेनॉल कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। सो मुझे एक बात बताओ, इथेनॉल पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है? कौन बताएगा, इथेनॉल इज अ पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल? दिस क्वेश्चन इज ओपन फॉर ऑल, एनीबडी, इथेनॉल इज पोलर और नॉन पोलर? पोलर सर। आर यू श्योर? यस। ओके, बट इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, तो इस पे आपको क्या कहना है? ठीक है, मुझे एक बात बता, ब्लड ब्रेन बैरियर क्या पोलर कंपाउंड को एंट्री देता है ब्रेन में? इट इज लाइक अ सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन, राइट सर? राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट लाइक व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इट इज टेकिंग इन और the component it is taking in. You are correct, but I am giving you a direct statement. Blood brain barrier doesn't allow polar molecule to come inside. Yes. So ethanol blood brain barrier ko cross kaise kar sakta hai? How? Sir, it polar and non polar. Okay, yes, kyunki aapne jab pre formulation padha hai first year mein, drug ka characteristic kaise hona chahiye, it should have both properties, पोलर एज वेल एज नॉन पोलर। क्यों? अगर उसको क्रॉस करना है सेल मेम्ब्रेन को और ब्लड तक जाना है तो इट शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ लिपोफिलिसिटी, ठीक है। और कंपाउंड की लिपोफिलिसिटी कब बढ़ती है? जब कंपाउंड में कार्बन एटम्स का नंबर बढ़ता है। तो कार्बन एटम कितने हैं इथेनॉल में? दो कार्बन एटम, दैट इज CH3 CH2 OH, दैट मीन्स देर इज सम सॉर्ट ऑफ लिपोफिलिसिटी एंड दैट्स व्हाई इथेनॉल कैन क्रॉस योर ब्लड ब्रेन बैरियर। गॉट इट? किसने बोला था अभी पोलर? समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके, चलो, अभी इथेनॉल ने हमारे ब्रेन में एंट्री कर दी है, लेकिन उसके बाद वो क्या करेगा? वो हमारे गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा। थोड़ी देर के लिए गाबा नाम दिमाग से हटा दो, सिर्फ रिसेप्टर पे फोकस करो। अभी जो इथेनॉल है वो हमारे रिसेप्टर को बाइंड करेगा, और जैसे हमने वीडियो में देखा है आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर का कैरेक्टर क्या है, जब भी कोई लिगैंड मॉलिक्यूल उसको बाइंड करता है वो चैनल ओपन हो जाता है, वहां से आयंस की एंट्री होती है। इतना कॉन्सेप्ट तो हमें पता है। अभी हम फोकस करेंगे गाबा वर्ड। गाबा रिसेप्टर इज अ आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर व्हिच अलाउ एंट्री ऑफ क्लोराइड आयंस। ओके, गाबा रिसेप्टर इज अ आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर व्हिच स्पेसिफिकली अलाउ एंट्री ऑफ क्लोराइड आयंस। और जब ये क्लोराइड आयंस अंदर आते हैं तो वो एक दो तीन इतने क्वांटिटी में तो नहीं आएंगे, वो तो बहुत सारे क्वांटिटी में आएंगे। तो हमारा जो न्यूरॉन है उसकी जो अंदर की पोलैरिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वो न्यूरॉन पैरालाइज हो जाता है। अभी न्यूरॉन अगर पैरालाइज हो गया तो न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? टू ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। बट अगर आपके ब्रेन में इम्पल्स का ट्रांसमिशन ही नहीं हो रहा है तो आपका ब्रेन उस समय पे सेंसिटिविटी कैसे दिखाएगा? से फॉर एग्जाम्पल, आप जब नींद में होते हो तो आपको पता चलता है आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है? नो, क्योंकि वहां पे आपका सीएनएस के जो भी इम्पल्सेस है वो ड्रॉप डाउन हो चुके होते हैं। लेकिन आप जब दिन में जाग रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ मूवी देख रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो वहां पे क्या है, आपके ब्रेन के जो भी न्यूरॉन्स है वो हाइपर एक्टिव स्टेट में है।
अभी इस लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई करो. जब भी इथेनॉल ने एंट्री की, क्लोराइड आयंस अंदर आए, क्लोराइड आयंस ने आपके न्यूरॉन को पैरालाइज कर दिया. पैरालाइज मतलब क्या हुआ, न्यूरॉन्स इंपल्स भेज नहीं सकते दूसरे न्यूरॉन को. अल्टीमेटली आपको नींद आना स्टार्ट हो जाता है. सो दैट इज योर न्यूरॉन हाइपरपोलराइजेशन मैकेनिज्म व्हिच इज एसोसिएटेड विद योर आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर. इस वजह से इथेनॉल पीने के बाद उस पर्सन को नींद आती है. So this is the application of your inotropic receptor with respect to chloride ions. Can you say GABA receptor is nothing but a chloride channel? Simply. Next one is your benzodiazepine. Chalo, benzodiazepine, barbiturates, inki category kya hai? Amisha Rasal, bola. What is the category of benzodiazepine? I think beta 1. बीटा सर कंफ्यूज है. व्हाट व्हाट, जरा जोरत बोल. हेलो. हाँ बोल बोल, मैं ऐकतो तू बोल, जोरत बोल. सर कंफ्यूज है माइक में. बस ठीक है, चलो. कौन बताना चाहेगा व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ बेंजोडायजेपिन? सर मैं है. हाँ श्योर, व्हाई नॉट. Sedative and hypnotic. Correct. So benzodiazepine is a sedative and hypnotic drug. Along with that, there is the barbiturates also. So अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी इमेज में आपको राइट हैंड साइड पे गाबा दिख रहा है, इथेनॉल दिख रहा है, भूल जाओ उनको, सिर्फ बेंजोडाइजिपिन पे फोकस करो. बेंजोडाइजिपिन क्या करता है, आपके आयोनोट्रॉपिक रिसेप्टर को बाइंड करेगा. बाइंड करने के बाद चैनल ओपन हो जाएगा. ओपन होने के बाद फिर से क्लोराइड आयंस की एंट्री होगी. एंट्री होने के बाद सेम मैकेनिज्म, न्यूरॉन हाइपरपोलराइजेशन विच विल लीड टू इंडक्शन ऑफ स्लीप. सो बेंजोडाइजेपिन इट इज यूज्ड एज द मेडिसिन. बट इथेनॉल जो पर्सन ड्रिंक करता है, क्या उसके लिए खुद के लिए वो मेडिसिन है? नो, उसके लिए वो हार्मफुल सब्सटेंस है. सो दैट इज मैकेनिज्म सेम है, लेकिन बायोलॉजिकल मैकेनिज्म सेम है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी सेम है, लेकिन उसका पर्पज क्या है वो डिपेंड करता है यूज, जो पर्सन वो ड्रग वो केमिकल यूज कर रहा है उस वक्त. तो सेकेंड थिंग क्लोराइड आयंस, फिर से एक एग्जांपल हो गया. नेक्स्ट वन इज न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल. सो मुझे बताओ विजया, एम आई ऑडिबल टू यू विजया? विजया आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है. स्नेहल साळुंके, एम आई ऑडिबल टू यू? स्नेहल साळुंके, आवाज येतोय माझा तुझ्यापर्यंत? नेक्स्ट प्रांजल, एम आय ऑडिबल टू यू? यस सर. ओके, टेल मी व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल मतलब ये होता है सर, क्या एक्शन करता है बॉडी पे. आप इमेज को एक्सप्लेन कर सकते हो, आप जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है? हाँ, यस. ओके, एक्सप्लेन व्हाट इज एक्शन. सर यहाँ पे सेल एक न्यूरॉन है, उसमें सेल बॉडी है. सेल बॉडी मतलब उसके नाम बताया पहले, डेक्सट्रॉन है, एक हेक्सॉन हिलॉक के. ओके, दैट इज योर जस्ट एनाटॉमी. जो ब्लैक इमेज है, ब्लैक इमेज जिसमें पर्सन ने मोमबत्ती पे हाथ रखा है, हाँ, तो उसको एक्सप्लेन करो उस वक्त पे क्या हुआ है उसके साथ. फर्स्ट उसने टच किया ना, तभी उसके मतलब बॉडी में ये हो गया, इंपल्सेस स्टार्ट हो गए, जनरेट हो गए, फिर बाद में ब्रेन में गए और वो ब्रेन में वो कुछ था ना सर, मतलब बता, डेक्सट्रॉन होता है कुछ. कैन यू से इट्स जस्ट प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन? हाँ, प्रोसेस. ओके, देन व्हाट हैपेंड? देन इंपल्सेस गेट स्टार्ट इनटू द ब्रेन. हाँ. And then brain तक मतलब पता चलता है कि हाँ बाबा कुछ तो हो गया. Right. तो फिर वो आ जाता है, फिर हमको समझता है कि हाँ बाबा हमने हाथ निकालना चाहिए. तो प्रोसेस है. Right. तो यहाँ पे क्या हुआ कि पर्सन को पता चला मेरे बॉडी के लिए कुछ तो अनप्लीजेंट सेंसेशन हो रहे है, हीट हो रही है, मेरे हाथ जल रहा है, तो उसने हाथ पीछे ले लिया. सो इट इज एक्शन पोटेंशियल. मतलब क्या, देयर इज अ न्यूरॉन कम्युनिकेशन. मतलब जो हमारा पॉइंट जो जहाँ पे उसने मोमबत्ती को टच किया है, दैट इज योर सेंसरी पॉइंट. वहां से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचने के लिए हमारे न्यूरॉन ने एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे करते करते ब्रेन तक कम्युनिकेशन किया. लेकिन ये कम्युनिकेशन हुआ कैसे,
it is with the help of sodium and potassium channels, जिसमें sodium potassium influx outflux इस वजह से वो impulse एक जगह से दूसरे जगह तक transmit होता है. लेकिन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाने के लिए उसको किसकी जरूरत है? न्यूरोट्रांसमीटर. इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल. और एक्शन पोटेंशियल के लिए कौन से चैनल्स इंपॉर्टेंट है? दैट इज योर सोडियम एंड पोटेशियम. तो हम अब तक हमने किस किस चीज की बात की है? क्लोराइड चैनल एंड सोडियम चैनल एंड पोटेशियम चैनल. नेक्स्ट वन इज योर कैल्शियम चैनल. अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए. हाँ, ये इमेज देखिए. पहले ये इमेज में क्या हो रहा है? दो न्यूरॉन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. अभी कम्युनिकेट करने के लिए उनको किसकी जरूरत है? न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत है. लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर खुद से थोड़ी बाहर जाएगा, उसको कोई तो मैसेज देना चाहिए ना कि बाबा मेरे को वो इम्पल्स पहले न्यूरोन से दूसरे इम्पल्स न्यूरोन तक पहुंचाना है. तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिलीज है उसको, उसका जो कंट्रोल है वो कैल्शियम चैनल के हाथ में है. आपका जो एक्शन पोटेंशियल हमने अभी यहाँ पे पढ़ा ना, इस इमेज में यहाँ पे क्या हुआ? पोटेशियम सोडियम इंफ्लक्स आउटफ्लक्स. और एंड पे यहाँ पे जो एग्जॉन का टर्मिनल है, मेरे पॉइंटर का पॉइंटर देखिए, मेरे जहाँ पे मार. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से. ओके, पूरी दांशु मेरी आवाज आ रही है? ओह, इतना सर होते. ओके फाइन, चलो. सो अभी हम यहाँ पे थे कि बाबा कैल्शियम चैनल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हमने छोड़ा था पॉइंट. तो ये पॉइंट समझने के लिए पहले ये एक्शन पोटेंशियल का कर्व समझ लो. सोडियम और पोटेशियम का इन्फ्लक्स आउटफ्लक्स होते होते एक इम्पल्स एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है. फाइनली जो मेरा पॉइंटर है वहां पे फोकस करो कि यहाँ पे आपका इम्पल्स आ गया है. अभी इस पॉइंट को देखने के लिए आपको इस इमेज पे जाना है. हाँ, अभी ये इमेज देख लो. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहला न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है, इसके बीच में न्यूरो ट्रांसमिशन हो रहा है. लेकिन ये होने के लिए अभी आपका जो पोटेशियम सोडियम जो भी आ रहा था उस वो कैल्शियम चैनल जहां पे हमारा है वहां तक पहुंच जाता है और कैल्शियम चैनल को मैसेज दे देता है कि बाबा जो भी मैसेज है हमें सेकेंड न्यूरॉन को देना है, तो तू तेरा काम कर. तो कैल्शियम चैनल क्या करेगा? उस न्यूरॉन में जो भी वेसिकल्स है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है उनको ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर दूसरे न्यूरॉन को मैसेज दे देंगे. और जैसे कि मैंने कहा है, your inotropic receptor, your ligand-gated ion channels are present between the neurons, between the synapse. तो क्या होगा? वहाँ पे आपके चैनल को वो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा. थोड़ा कम कर रहा हूँ. अरे माइक बना, लेक्चर है, गाड़ी नहीं की दोरल टिक टिक टिक. माइक म्यूट कर दो सब. हर्ष माइक म्यूट कर. हर्ष ओके सर, कंटिन्यू. हेलो सर. हेलो, आवाज येते कितरे? सॉरी, आता आवाज येते माझा सगळ्यांना? हो, चालेल, येतो येतो. ठीक आहे, चलो कंटिन्यू. तो अभी मैं कहां पे था? कैल्शियम चैनल का एक्टिवेशन. कैल्शियम चैनल ने अभी वेसिकल्स को ब्रेक, कैल्शियम चैनल ओपन हो गया, वहां से आपका कैल्शियम चैनल वेसिकल्स को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है. अभी रिलीज होने के बाद क्या होगा तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे. अभी ये स्लाइड देखो, यहाँ पे क्या हुआ? जो भी आपका सोडियम पोटेशियम का फ्लो था उसने कैल्शियम चैनल को बोल दिया. अब हमारा काम तो हो गया है कि बाबा हमारा इम्पल्स एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना था, तो हम लास्ट पॉइंट पे है, तो आगे के जो भी मैसेजेस है वो आपको भेजने. तो कैल्शियम चैनल क्या करेगा? कैल्शियम का चैनल ओपन हो जाएगा, वहां से कैल्शियम की एंट्री हो जाएगी न्यूरॉन में, जिसकी वजह से जो वेसिकल्स है वो ब्रेक हो जाते हैं और वहां से आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है. वो कहां पे रिलीज होगा? दूसरे न्यूरॉन पे. और दूसरे न्यूरॉन पे आपको क्या दिख रहा है? देयर आर आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर व्हिच आर लोकेटेड बिटवीन द न्यूरॉन्स. तो यहाँ पे क्या होगा? आपका जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर को बाइंड करेगा
और जैसे हमने वीडियो में देखा है, वीडियो में क्या समझा हमने कि भाई जैसे ही रिसेप्टर को कोई न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है वहां से एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, अभी कौन कौन से एग्जाम्पल्स है आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर में। तो उसका पहला एग्जाम्पल है गाबा रिसेप्टर विच इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विथ योर क्लोराइड चैनल। और हमने कहाँ पे डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ इथेनॉल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बेंजोडायाजेपिन, क्योंकि बेंजोडायाजेपिन स्ट्रक्चरली सिमिलर है आपके गाबा से। अभी गाबा रिसेप्टर एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो पहला हमने एग्जाम्पल देखा आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर का गाबा रिसेप्टर, दूसरा एग्जाम्पल है 5-HT3 सेरोटोनिन रिसेप्टर, तीसरा एग्जाम्पल है निकोटिनिक रिसेप्टर, फोर्थ है ग्लाइसिन रिसेप्टर, फिफ्थ है NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर। तो आज हमने गाबा रिसेप्टर को तो डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन बाकी के जो चार रिसेप्टर्स है उसके अंदर कौन कौन से आयंस आते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जो एक्सोजेनस एंडोजेनस मॉलिक्यूल है एंड नेमिंग ऑफ रिसेप्टर, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझ लो पहले, यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल मेंशन किए हैं, मैंने क्यों कहा ऐसे गाबा रिसेप्टर, सेरोटोनिन रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर, ग्लाइसिन रिसेप्टर, एनएमडी ग्लूटामेट रिसेप्टर, तो इनको ये स्पेसिफिक नाम मैंने क्यों दिए होंगे, कौन बताएगा मुझे ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं कि ये तो गाबा रिसेप्टर है, ये निकोटिन रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर को नाम कौन डिसाइड करता है? सर प्रत्येक रिसेप्टर वेगवेगळा फंक्शन करतो ना, बट तुझे नाव अश्विन आहे, ही तुझी आयडेंटिटी आहे, बरोबर? ओके, पण तू कोण आहेस? एक ह्यूमन बीइंग आहे, तुझी आयडेंटिटी तुझ्या नावामुळे समजतंय। मग मला सांग, मी गाबा रिसेप्टरला गाबा रिसेप्टर का म्हणत असे? मी क्यों बोल रहा हूँ गाबा रिसेप्टर को गाबा रिसेप्टर, वाय? ओके, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले आप ये इमेज देख लो। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? आयरन मैन, आपका कैप्टन अमेरिका, थॉर, देन योर स्पाइडरमैन एंड हल्क। इसमें क्या हो रहा है? तो वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई होते हैं, आयरन मैन टोनी स्टार्क मतलब आर्मर, आपका कैप्टन अमेरिका मतलब उसकी शील्ड, हैमर मतलब थॉर, स्पाइडरमैन तो आपको पता है पीटर पार्कर, देन योर प्रोफेसर हल्क, उनकी आइडेंटिटी किसी चीज की वजह से है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल आयरन मैन को ले लो, आयरन मैन ड्यू टू इट्स आर्मर। तो अभी इस एग्जाम्पल पे देखो, गाबा रिसेप्टर को हम गाबा रिसेप्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस रिसेप्टर को स्पेसिफिकली एक्टिवेट करता है गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, दैट इज योर न्यूरो ट्रांसमीटर। जैसे कि हमने सोडियम चैनल को सोडियम चैनल क्यों कहते हैं, पोटेशियम चैनल को पोटेशियम चैनल क्यों कहते हैं, आपके बॉडी में कॉमन डोमेन है रिसेप्टर, लेकिन उसको नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि उस रिसेप्टर पे जो केमिकल एक्ट करेगा वो उसका नाम हो जाएगा। जो रिसेप्टर पे गाबा एक्ट करता है उसका गाबा रिसेप्टर, जिस पे सेरोटोनिन एक्ट करता है वो सेरोटोनिन रिसेप्टर। गॉट इट द कॉन्सेप्ट अश्विन? हो सर, हो सर, यस। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आयोनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स। अभी आज के सेशन में हमने आयोनोट्रॉपिक रिसेप्टर को एंड कर दिया है। इसके रिलेटेड किसी को कुछ क्वेश्चंस है क्या? आज हमने जो भी पढ़ा है इसमें कोई डाउट है, कोई सेशन, कोई स्लाइड बिल्कुल समझ में नहीं है, ऐसा कुछ है तो बोल सकते हो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। चलो बोलो। और आपको जैसे एक रिकैप चाहिए आज हमने जो भी पढ़ा है, क्योंकि इट्स क्वाइट हेवी। बोलो बोलो बोलो, एनी क्वेश्चन, एनी स्लाइड फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट आप बोल सकते हो। सर जरा स्लाइड फिरवाना जरा। ठीक है,
कुठे थांबू सर एक रिकॅप काय काय झालं आजच्या लेक्चर मध्ये. ओके तू लेट जॉईन केलेस तर काही गोष्टी समजल्या नाही असं काही नाही असं काही नाही. ठीक सो मैं पूरा प्रेजेंटेशन एक शॉर्ट समरी देता हूँ. एक्चुअल हमने आज क्या पढ़ा. पहली चीज हमारा आज का टॉपिक था रिसेप्टर्स. तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं हमने बहुत बार एचपी में पढ़ा है. हार्ट बीट प्रेजेंट होता है बीटा वन रिसेप्टर जिसकी वजह से हमारे हार्ट बीट पड़ता है लेकिन हमने उसका डीप स्टडी कभी नहीं किया था. तो आज यहाँ से आगे क्योंकि हम फार्माकोलॉजी पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिकली. तो फार्माकोलॉजी को पढ़ने से पहले आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लियर होना बहुत जरूरी है जिसमें आपको बेसिक सेल के स्ट्रक्चर से पता होना इम्पोर्टेंट पॉइंट है. तो उसका एक पॉइंट है आज आपका जो है रिसेप्टर. व्हाट इज रिसेप्टर. इट इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल व्हिच इज लार्ज इन साइज ग्रेटर देन 1000 डाल्टन हैविंग कीमोरेकॉग्निटिव प्रॉपर्टी दैट मींस इट कैन रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक मॉलिक्यूल देन व्हिच इज आइदर एंडोजिनस और एक्सोजिनस हुज इंटरेक्शन विद लिगैंड. Interaction with ligand means your drug molecule will initiate a chain of a sequence. Sequence means वहाँ पे कुछ तो ऐसी reaction होगी जिसकी वजह से आपको एक biological response मिलेगा. इसके लिए हमने example discuss किया है आपका adrenaline, acetylcholine. Adrenaline क्या कर रहा है? Heart का rate बढ़ा रहा है. Acetylcholine heart का rate कम कर रहा है. लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? Adrenaline कुछ कोई तो ऐसा point है heart पे वहां पे एक्ट करने के बाद हार्ट पे चेन ऑफ सीक्वेंस क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से हार्ट की जो बीटिंग्स है वो बढ़ जाती है. सेकंड फॉर एसिटाइलकोलिन जब वो हार्ट पे एक स्पेसिफिक लोकेशन पे एक्ट कर रहा है वहां पे हार्ट के बीटिंग्स कम हो रहे हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज ड्यू टू अ चेन ऑफ अ सीक्वेंस व्हिच लीड्स टू बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स और ये सीक्वेंस हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में पढ़ेंगे. नेक्स्ट अभी ये रिसेप्टर 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 तो बोल रहे हैं हम इतनी देर से लेकिन ये रिसेप्टर होता क्या है? इट इज नथिंग बट योर प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन्स आर एसेंशियल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर इट सर्वाइवल. आपको सर्वाइव करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि हमारे लाइक ईच एंड एवरी प्रोसेस प्रोटीन से कंट्रोल होती है और द प्रोटीन का एक फंक्शन है रिसेप्टर. तो उसका क्लासिफिकेशन हमने देखा. हमारे बॉडी में जितने भी रिसेप्टर है सबको एक चार क्लासिफिकेशन में हमने डिवाइड कर दिया. लिगैंड-गेटेड आयन चैनल जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर देन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर देन इंट्रासेल्युलर. क्लासिफिकेशन कैसा है? क्लासिफिकेशन ऑफ योर रिसेप्टर्स. ओके सर. सो हमने अभी तक बात की रिसेप्टर 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 लेकिन हम उनको अगर क्लासिफाई करते हैं तो उसमें से चार क्लासिफिकेशन निकल के आते. एक है लिगैंड-गेटेड आयन चैनल, दूसरा है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जिसमें हम जो चेन ऑफ सीक्वेंस का जो स्टेटमेंट है वो डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन इज एंजाइम लिंक रिसेप्टर, उसका एक एग्जांपल दे दो तो इंसुलिन. एंड नेक्स्ट वन इज अ इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर. तो इसमें से आज हमने जो डिस्कस किया है वो है लिगैंड-गेटेड आयन चैनल. तो लिगैंड-गेटेड आयन चैनल क्या होता है तो वो हमने वीडियो में देखा था. तो इस इमेज में क्या समझ रहा है हमें कि कोई अगर ड्रग मॉलिक्यूल आइदर वो हमने बाहर से लिया है और हमारा एंडोजिनस मॉलिक्यूल है वो हमारे रिसेप्टर को बाइंड करता है जिसकी वजह से रिसेप्टर के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं जहां से हमें आयंस की एंट्री होती है. तो आयंस की एंट्री होने के बाद सेल के अंदर वहां पे आपको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलता है. तो जो रिस्पॉन्स था वो हमने वीडियो में देख लिया है. नेक्स्ट वन इज कि पापा इतने सारे चैनल्स है आयनोट्रॉपिक चैनल से लिगैंड-गेटेड चैनल से इनको कुछ तो नाम होगा. तो नाम क्या है? जो मेन चार है सोडियम चैनल पोटेशियम चैनल कैल्शियम चैनल क्लोराइड चैनल. तो इनको हमने स्पेसिफिक नाम क्यों दिए? क्योंकि ये चैनल स्पेसिफिक उस आयन के साथ इंटरेक्शन करते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड देम दे आर एज अ स्पेसिफिक चैनल. ओके नेक्स्ट, क्योंकि ये चैनल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो उसका आंसर है बिटवीन द न्यूरॉन्स. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आयनोट्रॉपिक चैनल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन द न्यूरॉन्स. जब हम एसिटाइल कोलिन के बारे में बात करेंगे तो ये स्टेटमेंट और एक लेवल आगे बढ़ जाएगा, दैट इज बिटवीन योर न्यूरॉन एंड मसल, दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. तो आप अभी जब रिविजन करोगे तब कंफ्यूज मत होना. तो अभी एक स्टेटमेंट ध्यान में रखो, आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट बिटवीन द न्यूरॉन्स. ओके सो एक एग्जाम्पल की बात करते हैं. जो आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है तो उसकी एक्शन क्या है? जब हम इथेनॉल कंज्यूम करेंगे तो हमें नींद आएगी, लेकिन कैसे? कि जो हमने एग्जांपल देखा है गाबा रिसेप्टर इज आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर. जब भी इथेनॉल हमारे ब्रेन में जाता है वो गाबा रिसेप्टर को बाइंड करेगा,
जिसकी वजह से वो रिसेप्टर ओपन हो जाएगा, वहां से क्लोराइड आयंस अंदर आएंगे, लेकिन क्लोराइड आयंस क्या करेंगे अंदर आने के बाद, न्यूरॉन को पैरालाइज कर देंगे ड्यू टू न्यूरोनल हाइपरपोलराइजेशन, विच विल लीड्स टू डिक्रीज इन द इंपल्स बिटवीन वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, लीड्स टू स्लीप इंडक्शन, दैट इज योर फर्स्ट मैकेनिज्म. अभी इथेनॉल को हटा दो, बेंजोडाइजेपिन को वहां पे रख दो, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आपको स्लीप आए, नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज योर सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एक्शन. एंड अभी हमने बात की थी सोडियम चैनल के बारे में, सॉरी अभी तक बात कर रहे थे हम हमारे क्लोराइड चैनल के बारे में, अभी हम बात करेंगे सोडियम एंड पोटेशियम चैनल, जिसका मेन रोल है इम्पल्स ट्रांसमिशन ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल. नेक्स्ट वन इज योर कैल्शियम चैनल, उसका काम क्या है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होता है वो उसका जो एंड पॉइंट है वो है कैल्शियम चैनल, जो कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट करने के बाद कैल्शियम की एंट्री अंदर होगी, जिसकी वजह से आपका जो वेसिकल है वो ब्रेक होने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा. न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद क्या होता है, दूसरा न्यूरॉन के जो हमारे बिटवीन द न्यूरॉन्स जो आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर है वो न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करेंगे, और जिसकी वजह से आपको देयर विल बी स्ट्रक्चरल चेंज इन द रिसेप्टर व्हिच विल लीड्स टू बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स. देन एग्जांपल्स, गाबा रिसेप्टर, सेरोटोनिन रिसेप्टर, निकोटिन रिसेप्टर, ग्लाइसिन रिसेप्टर, एनएमडे, ग्लूटामिक रिसेप्टर. These are the examples of ionotropic receptors. Confuse मत होना, मैंने पहले कहा था sodium channel, potassium channel, chloride channel, calcium channel, इतने channels की बात की, लेकिन these channels are associated with specific neurotransmitters. That's why we are called it as their specific name, GABA receptor, because उस receptor पे GABA neurotransmitter bind होता है. Serotonin receptor, वहाँ पे serotonin bind होता है. Same for others. Then, हाँ, naming का concept था, इसलिए मैंने image रखी थी. And last, any question? चलो, तो सबको समझ में आ गया है आज का प्रेजेंटेशन, और किसी को कुछ पूछना है? No, sir. Clear to all? Yes, sir. Good. Yes, sir. Thank you. So, I hope आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा. मुझे अटेंडेंस मार्क करनी है, लीव मत करो, रुको. So, हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के रिसेप्टर्स कवर करेंगे, उसका नोटिफिकेशन मैं दे दूंगा आपको ग्रुप पर. तो मैं अटेंडेंस मार्क करता हूँ, रुको जरा. सर हेलो. कोई बोलते है का? हाँ, उदित. स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा. ओके देन, नो प्रॉब्लम. चलो ठीक है देन, थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय सर. बाय सर. सर माजी गया, सर माजी माजी लावा इकडे. हो चालेल, अटेंडेंस. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू. Thank you. Thank you, sir.